माय यूट्यूब चैनल द लेडी टूरर। तो आज कुछ ऐसा तो खास है नहीं दिखाने के लिए, बट बहुत खास है। हमारे यहाँ हो रही है बहुत बारिश, जो कि पहाड़ों में हर जगह हो रही है। भीमताल, नैनीताल का पता नहीं, भीमताल का मुझे पता है, बाकी द्वाराज से नीचे को बारिश हो रही है। और अभी ये बारिश को रुके हुए बस 10 मिनट हो रखे हैं, 10 मिनट। तो हमारे यहाँ आ रखा है बहुत बड़ा गधेरा जो कि रामगंगा रिवर तक जा रहा है। और आप सबको, पहाड़ी लोगों को पता ही होगा कि हम गधेरा किसको कहते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ का गधेरा, जिसमें कि पांच सांस बह के आ रहे हैं। आप जो जब ये गधेरा सूख जाएगा तो लोग इसमें से ये लकड़ियाँ लेके जाएंगे आग जलाने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम इस गधेरे को, कितना खतरनाक गधेरा। और यहाँ पे मम्मी आई हुई है, मम्मी ने फोन पकड़ा हुआ है। चलिए अब गधेरा देखते हैं। वो सामने देखिए, वो हमारी रामगंगा रिवर है, रामगंगा रिवर। और ये आप देख सकते हैं गधेरे को, देखिए गधेरा रामगंगा रिवर को पूरी पूरी टक्कर दे रहा है। हमारी नदी इतनी मतलब वो गंदी नहीं हो रखी है, मतलब जो ये पानी है ना, हिल बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, हिल। तो ये देखिए, लेकिन ये इसको देखिए आप, और यहाँ पे देखिए, क्या आपको थोड़ी सी कोयल की कूकने की आवाज आ रही है, कोयल की कूकू। ये देखिए खेतों में हमारे यहाँ की गेहूं की कटाई हो चुकी है। मैं पकड़ना, अब मैं बताती हूं, तो ऐसा है कि आपको, मैं चाहती थी कि आप लोगों को मैं ब्लॉग में हमारे यहाँ की गेहूं की कटाई दिखाऊं, लेकिन जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मुझे नोएडा जाना पड़ गया, सॉरी गुड़गांव जाना पड़ गया। तो उस वजह से मैं यहाँ के ब्लॉग्स नहीं बना पाई, और इसी वजह से मेरे ब्लॉग सारे ठप हो गए, रुक गए बनाना। और उसके बाद में थोड़ा शादियाँ वादियाँ इन्जॉय करने लगी, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चल ही जा रहा होगा कि शादियाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा इन्जॉय कर ली और बहुत मज़ा आया। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा अभी ब्लॉग्स को रिलैक्स दे देती हूँ, नहीं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ ब्लॉग से, और अभी अपने यूट्यूब को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। और इसलिए अभी मैं घर पहुँची हूँ, तो घर आते ही मेरे आने की खुशी में बारिश हो चुकी है यहाँ पे। और ये देखिए बारिश की, ये देखिए हमारा गधेरा, ये देखिए किसी बच्चे के बेचारे छोटे से बच्चे का चेयर भी घूम के आ गया है यहाँ पे। और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने जोरों शोरों पे खेती चल रही है। मेरे मौसी बैठी हुई है वहाँ पे, ये मेरी चाची भी लगती हैं। तो देखिए उनकी कितनी बड़ी ऐसी बातचीत चल रही है खेतों में, कि बेचारों का सब उन्होंने छोड़ रखा है अभी काम था। तो ऐसा है, और हमारा बर्फी और क्या लुस्तर जैसा हमारा बर्फी के सारे बाल काट दिए, तो बेचारा बहुत पतला सा लग गया। बर्फी गिदा, 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 हाँ, बर्फी दीदी 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 दी, 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 बर्फी दीदी के पास आया, बर्फी दीदी के पास, बर्फी आओ 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 आओ, ये आ गया हमारा बर्फी। देखिए कैसा झिंगूर जैसा और खाइए, झिंगूर जैसा, आई झिंगूर इधर इधर आ जा, जागो जागो। कोई बात ना, कुछ नहीं होता, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी तौलिया ओढ़ के, और क्योंकि ठंड होने लग गई है, मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी आ गई ऐसी। देखिए हमारा, ये देखिए हमारे घर से कितने पास है रामगंगा रिवर, ये देखिए जरा सी, ये रामगंगा रिवर हमारे यहाँ की, जो कि मुरादाबाद जाती है। वो देखिए कहाँ से आ रहा है गधेरा। मम्मी बर्फी को मार रही क्योंकि बर्फी डूब जाएगा, अब किनारे पे जा रहा है शैतानी करने के लिए। ये हमारे गांव का सीन है, आपको मौसम तो पता लग ही रहा है कितना सुंदर हो गया है। वो देखिए पार एक गाड़ी जा रही है, ओह नाइस। मौसी देखिए, सुनाई दे रहा है शायद आपको कोयल की आवाज, देखिए
पहाड़ों में ऐसे ये बहुत बहुत कॉमन सी बात है ये सब सुनाई देना, बट शहरों में आपको किसी शांत से पार्क के जैसी जगह में जाना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे, अभी तक यहाँ पे लोग बहुत सारे आए हुए थे पर अभी यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, ये पापा मम्मी और कोई बच्चा आया हुआ है। अब पापा जहाँ होंगे वहाँ बर्फी तो ज़रूर होगा, और बर्फी दीदी बार 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 पापा के साथ देखिए। तो पापा के बिना जाएगा ही नहीं। ये देखिए ये है हमारे यहाँ भांग के पेड़ जिनकी चटनी भी बनाई जाती है, और ये यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे भांग की चटनी है। ये वो वाला भांग नहीं है, ये चटनी वाला भांग है ना मम्मी? हाँ। ये हमारा डंडू देखिए, डंडू कोई नहीं सुन रहा यार मेरी बात, डंडू अभी मार खाएगा मेरा से। इधर तो दिख नहीं रही दीदी बुला रही है, बदतमीज तो दिख नहीं रहा दीदी बुला रही है। हाँ जब मैं आई थी तब तो बड़ा खुश हो गया था, अभी तो दिख नहीं रहा दीदी बुला रही है। हाँ मैं नहीं ना ना गंदा और कहना मेरे पास नहीं आना, ना मेरे पास नहीं आना। गंदा बच्चा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, गंदा कहीं का, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो तुम कहाँ से आ रहे हो बताओ मेरे मुझे। ये देखिए इसको, पापा कह रहे हैं घर जा पर ये जाएगा थोड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हेलो, थप्पड़ मारू मैं यहाँ के ओके। तो इसी के साथ में करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को, मिनी ब्लॉग को बाय बाय। देख लीजिए आप एक और बार, और कोयल की आवाज भी सुन लीजिए। ओह वाओ नाइस, ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।